हेलो पीपल, वेलकम टू टीपी क्लासेस रिवीजन सीरीज़ में आज हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे जून 2019 में। तो अगर तो आप रेगुलरली प्री क्योर फॉलो करते रहे हैं तो आपके लिए रिवीजन हो जाएगी, अगर आप नए स्टार्टर्स हैं तो आपके लिए फर्स्ट टाइम चीज़ें होंगी। तो इसीलिए अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में देखें तो यहाँ पर दो वीडियोस गिवन है, सबसे पहले तो आप वीडियोस देख सकते हैं, अकॉर्डिंगली आपको जो टॉपिक की क्लैरिटी है वो हो जाएगी। एंड इफ़ यू हैव वॉच दीज वीडियोस बिफोर तो आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स अपने नोट्स बना सकते हैं। तो उस टाइम के जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, जैसे हांगकॉन्ग प्रोटेस्ट थे, तो इसके बाद जैसे फ्रांस में भी प्रोटेस्ट हुए, तो अकॉर्डिंगली यू शुड बी एबल टू लिंक सच स्टफ जो हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। तो ना सिर्फ जो टॉपिक्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं वहीं तक अपने आप को ना रोकते हुए, यू शुड ऑल्सो ड्रॉ सम लिंकेजेस, जो भी नए वर्ड्स आ रहे हैं या कुछ नया पता चल रहा है तो अकॉर्डिंगली अगर आप उनको कंसॉलिडेट करके एक फाइल बना लेंगे तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा लास्ट मिनट रिवाइज करने के लिए, ठीक है। जिसके बाद SEO की कुछ मीट वगैरह हुई तो SEO के बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है, SEO कंट्रीज देख लीजिए कौन सी कंट्री स्टार्टिंग में थी, उसके बाद कौन सी नई एडिशन थी, ना तो बेसिक चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं, बट सिंस यू आर रिवाइजिंग तो अगेन यू नीड टू ब्रश दीज थिंग्स अप। उसके बाद रैट्स, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ना, और ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं अकॉर्डिंगली। एंड उसके बाद क्या इंडिया एंड पाकिस्तान मेंबर हैं या नहीं है, तो इसके बाद कौन सी चीज़ के मेंबर नहीं है SEO में। सो SEO जो माइन्यूट चीज़ें हैं उनको इग्नोर नहीं करना, क्योंकि अदरवाइज होता क्या है कि हमने जो टॉपिक हैं वो तो पढ़े होते हैं लेकिन जो माइन्यूट जो बारीकियां हैं वो हमसे मिस हो जाती हैं, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन में फिर वहीं अटक जाती हैं। इसके बाद बिमस्टेक है, तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे एक शासक करके भी रीजनल ब्लॉक ही है या जो डेवलपमेंट ब्लॉक है साउथ एशिया का, एंड अकॉर्डिंगली बिमस्टेक हो गया, साक हो गया ना, तो इनमें डिफरेंसेस देख सकते हैं आप कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं, बिमस्टेक में कौन सी कंट्रीज आती हैं, क्या एजेंडा है, साक बनाने के पीछे क्या एजेंडा था। एंड इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हमने पूछा है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पहले बनी थी अकॉर्डिंगली, तो थोड़ी क्रोनोलॉजी की भी आपको क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। इसके बाद आसियान प्लस थ्री कॉपरेशन के बारे में, तो आसियान तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, RCEP के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो RCEP के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है RCEP को या स्टिल इट इज़ कंसिडरिंग, या अगर रिजेक्ट कर दिया है तो क्या दोबारा ज्वाइन कर सकता है। तो ऐसी जो बारीकियाँ हैं वो आपको ज़रूर देखनी है। RCEP के पैरेलल एक TPP, सो TPP में कौन कौन सी कंट्रीज़ थी वो आपको देखना है। एंड TPP से, जैसे RCEP से इंडिया ने बैक ऑफ कर लिया तो TPP से अमेरिका बाहर निकल गया था, तो अकॉर्डिंगली ये कितना जो ट्रेड है कंट्रोल करते हैं TPP में, जो ग्लोबल ट्रेड का कितना शेयर आएगा, तो ऐसी चीज़ें, ठीक है जी। एंड नेक्स्ट हमारे पास है कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया, तो सीका है, कहाँ पर इसकी मीट हुई, एंड अकॉर्डिंगली हिस्ट्री क्या है, जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनका क्या उनकी अहमियत है ज्योग्राफिकली या रिसोर्स वाइज अगर हम देखें, तो ऐसी जो चीज़ें हैं। मोर ओवर जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेटेड एक और भी चीज़ है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, एंड ऑल्सो एक आशिकाबाद अग्रीमेंट है ना, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको जो पता है वो ज़रूर करना है। अब अगर हम फोकस करें साइंस के जो टॉपिक्स थे उनके ऊपर, सो साइंस में हमने सबसे पहले, तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे तो वीडियोस देख सकते हैं, अदरवाइज नीपा वायरस के बारे में डिस्कशन की हुई है यहाँ पर। एंड पैरली अब आप देख सकते, कंपेयर कीजिए कि कोरोना वायरस जो है हमारा है ना, और नीपा में फ़र्क क्या है, जूनॉटिक डिजीज़ क्या होते हैं, तो ऐसी चीज़ें जो भी माइन्यूट जो वर्ड्स आते हैं तो इन्हीं से कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। जिसके बाद ई सिगरेट्स है हमारे पास, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी है ई सिगरेट्स को लेके। उसके बाद तो नेक्स्ट वी हैव सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, तो इंडिया में कौन कौन सी जो इन्फेक्शंस हैं वो ज़्यादा लीदल हैं या जो फेटल हैं, एंड अकॉर्डिंगली कौन सी क्योरेबल हैं, किन से किन के ऊपर अभी मेडिसिन डेवलप नहीं हुई। तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर्स वगैरह में या रिपोर्ट्स में, ज़्यादा कुछ डिगिंग करने की ज़रूरत नहीं है, जो अगर आप अपने आसपास ही देखेंगे तो चीज़ें मिल जाती हैं आसानी से, ठीक है जी। देन वी हैव फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स, तो इंडिया और चाइना की इसके ऊपर कुछ डिस्प्यूट्स आ भी रहा था, तो FDCs क्या है, इनमें जो एक्टिव इन्ग्रीडियंट क्या है, इनएक्टिव इन्ग्रीडियंट कौन कौन से केमिकल्स होते हैं, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट वी हैव AstroB, सो AstroB से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी पूछा था रिसेंटली आपको आपके टेस्ट सीरीज़ में, तो वहाँ से आपको कुछ क्लैरिटी हो जाती है। तो यूजली क्या होता है कि हमने ना जैसे ये
जून में अब टर्म पढ़ी, लेकिन अभी तक हम भूल जाते हैं कि किस कॉन्टेक्स्ट में थी। तो रिविजन सीरीज़ का बेसिक पर्पस यही है कि आपको ऐसे चीज़ों को रिमाइंड कराते रहें कि ऑलरेडी हमने कुछ चीज़ें जो कवर कर रखी हैं उनको आप कंसोलिडेट कीजिए, अपने दिमाग में बिठाइए, क्योंकि अदरवाइज जो जून में आपने रेगुलरली या जुलाई में आपने रेगुलरली जो वीडियोज़ देखे, जो पढ़ाई की, वो वेस्ट हो जाएगी, नलीफाई हो जाएगी अगर आपने एंड में उनको कल्मिनेट नहीं किया चीज़ों को, ठीक है जी। एंड फाइनली हमारे पास शीथ प्लाइट है, राइस का एक डिजीज़ था, फंगल डिजीज़ है। तो डिजीज के कॉन्टेक्स्ट में तो आपको यही देखना होता है कि सबसे पहले कि बैक्टीरियल डिजीज़ है, प्रोटोजोन है, है ना, फंगल है, कौन सा डिजीज़ है, मोर ओवर किसको अफेक्ट करता है, या उसके बाद कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, चाहे वो डिजीज़ आपके प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, ह्यूमंस में हो, तो अकॉर्डिंगली उनको आप वैसे कैटेगराइज भी कर सकती हैं, ठीक है जी। एंड इसके बाद हमारे पास है नेशनल एनिमल डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। तो ये थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन अगेन जो इसके प्री के कॉन्टेक्स्ट में जो चीज़ें हैं कि क्या इसकी रीच है, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसको चला रही है, तो वैसी चीज़ों के ऊपर आप थोड़ा ध्यान दे सकते हैं। जैसे अब इसमें हमने फुट एंड माउथ डिजीज़ देखा है, ब्रुसेलोसिस देखा, तो अकॉर्डिंगली कौन कौन से एनिमल्स हैं जो अफेक्टेड होंगे इनसे, तो उसके बारे में आपको थोड़ा जानना था। जननी सुरक्षा योजना के बारे में जान लीजिए, नेशनल हेल्थ मिशन क्या चीज़ है, सर्च अबाउट इट, नियोनेटल मॉर्टेलिटी क्या है या आपकी इसके पैरली क्या होती है, जो IMR इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ना, नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट, तो कौन क्या टाइम पीरियड है, क्या डिफाइन करता है। एंड इसके बाद अब इसके कॉजेज़ वगैरह देख लीजिए, जैपनीज़ इंसेफलाइटिस क्या चीज़ है इसके बारे में जान लीजिए ना। तो वेरियस जो डिजीज़ हैं, जो जैसे 12 तो मिशन इंद्रधनुष के अंडर ही हमारे पास डिजीज़ हैं, तो उनके बारे में थोड़ी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। मिशन इंद्रधनुष सर्च कर लीजिए, है ना, उसके बाद इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष भी आया था, तो अकॉर्डिंगली उन चीज़ों के ऊपर थोड़ा आपको ध्यान देना है। And that is all for the Science and IR section. Milte hain agle hafte. Thank you.